हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएसओएल एंड एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। दिस इज पार्ट 3 ऑफ हीट ट्रांसफर एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस एनर्जी बैलेंस फॉर हीट एक्सचेंजर, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड सेल कंसंट्रेशन एंड हाइपोथेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल सेल कंसंट्रेशन। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस एनर्जी बैलेंस फॉर हीट एक्सचेंजर। तो ये इक्वेशन आपको पता है, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है जो हमने ड्राइव किया था एनर्जी बैलेंस वीडियो में। अगर हम स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करें तो आपका ये जो रेट ऑफ एनर्जी एक्युमुलेशन है आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टडी स्टेट में आपके वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं। देन यहाँ पर शाफ्ट वर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंपेलर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे तो आपका लिक्विड फ्लो कर रहे हैं थ्रू पाइप, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ये आपका बता रहा है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है, जो आपका मास अंदर आ रहा है, ये एनर्जी एसोसिएटेड है जो आपका मास बाहर जा रहा है, और ये है आपका रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अब होता क्या है कि हीट एक्सचेंजर में आपका जो मास फ्लो रेट है बच्चों, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो मास इन है और ये जो मास आउट है फॉर कोल्ड या फिर हॉट फ्लूइड, ये आपका दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वल हो जाएंगे तो आप इनको कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है मास फ्लो रेट है हॉट फ्लूइड का, ठीक है, ये आपका इंथैल्पी एसोसिएटेड है इनलेट, और ये जो आपका इंथैल्पी आउटलेट पे है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो आपका एनर्जी में कितनी कमी आई है, ठीक है, तो ये इनलेट पे जो आपकी एनर्जी थी, ठीक है, माइनस ये जो आपका आउटलेट पे जो एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये बताएगा कि कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपका मास एनर्जी, सॉरी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है फॉर हॉट फ्लूइड, ये आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है फॉर कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। नाउ क्योंकि ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे आपका ट्रांसफर की गई है, तो ये हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर की गई होगी, कोल्ड फ्लूइड को। तो और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है कोल्ड फ्लूइड ने, ठीक है, क्योंकि हीट हॉट फ्लूइड देगा, कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हम आइडियल कंडीशन अज्यूम करें तो ये और ये जो रेट है ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई द कोल्ड फ्लूइड, क्योंकि जो देगा अगर वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा कोल्ड फ्लूइड, तो ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या है, इक्वल हो जाएंगी। आप इनको इस फॉर्म में एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कब हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, ये न्यूमेरिकल बताएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका नॉर्मल कि आपका एंथैल्पी की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आपका फेज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपका फेज चेंज नहीं हो रहा है तो ये हॉट फ्लूइड के लिए आपका क्या मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हॉट फ्लूइड की, और ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड की। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बताता है कि कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 1 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट आपका हीट ट्रांसफर एंड सेल कंसंट्रेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है फॉर सेल मेटाबॉलिज्म, और फर्मेंटेशन के केस में सेल मेटाबॉलिज्म आपका मेन सोर्स होता है फॉर जो भी आपका हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और अगर आपने इस हीट को रिमूव नहीं किया तो इससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिएक्टर का, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपकी सेल की ग्रोथ अफेक्ट होगी, ठीक है। इसीलिए द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट रिमूवल कैन बी लिंक्ड डायरेक्टली टू द मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर, यानी कि जो आपका जो सिस्टम है उसकी क्या कैपेसिटी है हीट रिमूव करने की, इस पर डिपेंड करेगा कि वो मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन कितनी सस्टेन कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा हीट रिमूव नहीं कर पाएगा तो जो है सेल का सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट ज्यादा इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से जो है सेल की ग्रोथ अफेक्ट होने लगेगी, ठीक है। तो आपका इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितनी हीट रिमूव कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने सेल कंसंट्रेशन सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि अब हमारे केस में अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें कि जो सॉफ्टवेयर की वजह से जो हीट एनर्जी वोल्व हो रही है और ये जो इवेपोरेशन की वजह से जो आपका हीट एनर्जी है, अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर दें
तो और क्योंकि हम मैंने आपको बताया कि जो मेन सोर्स है हीट एनर्जी का वो आपका सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर है ये आपका इक्वल हो जाएगा माइनस डेल एच रिएक्शन, यानी कि आपकी कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है बिकॉज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ द हीट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द सेल, इफ द क्यू नॉट इज द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक रेट, सो इक्वेशन विल बी दिस। देखिए हमने अब यहाँ पे देखिए सारी चीज लिंक्ड हो रही है, यहाँ पे मास ट्रांसफर भी लिंक हो रहा है, यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांसफर भी लिंक हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो एनर्जी बैलेंस में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है ये आपका एसोसिएटेड है किससे, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, क्योंकि जितने ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही ज्यादा आपकी हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ये हम पहले देख चुके हैं इस फॉर्मूले को वीडियो में। यहाँ पे आपका क्यू जो है, देखिए ये आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है और ये आपका ऑक्सीजन अपटेक रेट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ये ओ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन अपटेक रेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें ओवरऑल फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें टोटल ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ये माइनस 460 किलो जूल हमने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसकी वजह से होता है, तो पर ग्राम मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो टोटल कितने ग्राम मोल कंज्यूम हुई ऑक्सीजन वो यहाँ से मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 460 किलो जूल पर ग्राम मोल। ठीक है, एंड क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, रेट ऑफ हीट एनर्जी ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ये जो आपका हीट ऑफ रिएक्शन है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और क्यू नॉट जो है इसको हम पहले देख चुके हैं, क्यू नॉट क्या होता है, स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट इनटू सेल कंसंट्रेशन, ये आपको बताता है कि पर यूनिट मास कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है और ये आपका टोटल सेल कंसंट्रेशन कितनी है। क्लियर, नेगेटिव क्यू है यहाँ पे साइन बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, क्लियर। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है हीट एक्सचेंजर के केस में ये किसके इक्वल होता है, न्यू ए डेल टी, जहां पे न्यू क्या है आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये आपका एरिया और डेल टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है, द फास्टेस्ट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अकर व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फर्मेंटर कंटेंट एंड द कूलिंग वाटर इज एट मैक्सिमम, यानी कि जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कोल्ड वाटर जो इनलेट टेम्परेचर है उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो TF है और TCI है इसका टेम्परेचर का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उस केस में आप कितनी मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, इसी से निकाला गया ये फॉर्मूला। ठीक है, बट इसके यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन ये कब होगी, जब आपका ये डेल्टी मैक्सिमम होगा, तो डेल्टी का मैक्सिमम होगा जब हम ये कंसिडर करें कि जो आपका कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो उतना ही है जितना आपका इनलेट पे था, तो उसके केस में आपका टेम्परेचर डिफरेंस ये मैक्सिमम बना रहेगा, और ये दैट मीन्स आपका मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है हीट रिमूवल की। तो अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी हीट रिमूवल की, तो जो इस पे सेल कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ठीक है, और भी फैक्टर है जिसपे सेल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, बट ये एक मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कितना जो उस सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, कि वो कितनी सेल कंसंट्रेशन सस्टेन कर सकता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, और ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करें लिखने के साथ साथ, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।